अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आजाद अमर रहे, अमर रहे, देश की नेता कैसी हो, रानी साहिबा जैसी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी चुनौती जो आपने हमें उस पर पा पाए, श्रेय किसको? श्रेय सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहाँ पहुँच नहीं पाए वहाँ पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुँचे वो पहुँची है और लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है, मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र से दिलाई है। बेहद कड़ा मुकाबला था, मुख्यमंत्री की सीधी जंग थी आपसे, और तो ऐसे में कौन से मुद्दे आप मानती हैं जो काम कर गए इस बार कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। पूर्व कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो लोग उन कामों को भी देखते थे और हम जब फील्ड में गए तो हमने वही बात जनता के दरबार में रखी कि कांग्रेस ने काम किया है और वही विकास वही बातों को लेकर हम आपके सामने आए। अब हम चाहते हैं कि उन कार्यों को देखते हुए आप फैसला करें। महंगाई भी मुद्दा था, महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी और जो लोगों के मन में एक गुस्सा था कि इतनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके लिए भी लोगों का ये जो वोट रहा उसका काफ़ी प्रतिशत में मेरे को लगता है उसका हमारे को फायदा हुआ। आपने चुनावी जंग जो है वो जीती है लेकिन बीच में प्रचार के दौरान कई आरोप आप पर भी लगे थे, कहीं ना कहीं एक डर था क्योंकि वीरभद्र सिंह जो है उनका एक बहुत बड़ा नाम है लेकिन इस बार प्रचार में वो नहीं थे, तो टूट ना जाए या कुछ गलत तो नहीं हो गया? किस तरह से आप देखती हैं उनके बगैर? ऐसा तो नहीं है, हमने सच्चाई का साथ दिया है, सच्चाई को लेकर हम जनता के बीच में गए। हमने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो लोगों को नहीं अच्छी लग रही। अब आरोप लगाना प्रति आरोप लगाना ये तो आप समझते ही हैं, चुनाव के समय में लोग जो विपक्ष की पार्टी है कुछ ना कुछ बात तो कहेगी, उसका हम सच्चाई से सामना कर रहे थे। वीरभद्र सिंह इस पर नहीं थे, कितनी कमी? एक बहुत बड़ी कमी हमारे को लगी इस चुनाव में, बल्कि जब मैं पहला कदम लग रही रखने जा रही थी तब भी मुझे ये आभास हो रहा था कि उनके बिना शायद हम इसमें उतने सफल ना हो पाए, पर फिर भी उनका आशीर्वाद और देवी देवताओं का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद जो हमें मिला उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमने भी जहाँ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी जो वो जैसे ट्विन इंजन की बात कर रहे थे कि हमारी यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बार बार वो इस बात को कह रहे थे, पर मैं समझती हूँ जब अब तो लोग पढ़े लिखे हैं वो खुद भी समझते हैं कि किस तरीके से हमको किस प्रतिनिधि को चुनना है, कौन हमारी बात पार्लियामेंट में रख सकता है। जनता ने मुझे पहले भी दो बार चुनकर भेजा है और उन्होंने मेरा कार्य जो मैंने काम किया है वो भी प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने थे, तो मैं समझती हूँ ये आरोप लगाना और इस तरीके की बातें करना ये लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। इसका आकलन करेंगे हम और निश्चित रूप से अगला विधानसभा का चुनाव भी बहुत नज़दीक है तो उसमें भी हम सही तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट करके और पार्टियों की जो कमियां रही हैं उसको भी देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और जो हमारे कांग्रेस के जितने भी विधानसभा के क्षेत्र हैं उसमें हम अपने कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उनको भी मजबूत करने की कोशिश। लगता है आपको क्योंकि अभी लगभग चार शो लगभग आपको लगता है कि अब आने वाले समय में रहा आसान होगी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी के लिए? मुझे लगता है कि जिस तरीके का लोगों ने ये रिजल्ट दिया है उससे निश्चित तौर से लोगों ने मन बना लिया कि आने वाले विधानसभा में चुनाव में भी हम कांग्रेस को विजय बनाएंगे। चलिए बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक। कितना चैलेंजिंग था ये चुनाव? थी बहुत सी चुनौतियां भी थी पर सभी कांग्रेस जनों ने एक मत होके इस लड़ाई को लड़ा है और हमने इसमें विजय हासिल की है, तो मैं सारी प्रदेश की जनता का और ख़ास करके कांग्रेस जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
जब आप चुनाव में गए हमने देखा जो महत्वपूर्ण जो बर्निंग इश्यूज थे, क्या आप मानती हैं उन इश्यूज के आधार पर कौन से मुख्य मुद्दे रहे जिस आधार पर जनता ने वोट किया? सबसे बड़ी बात है तो कांग्रेस सदा काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों से अपील करती है और हमने इन्हीं विकास के कार्यों को देखते हुए जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने काम किया है उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया। जहां तक विपक्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारे नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा, तो 7 साल हो चुके कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती है उसका रोष भी लोगों में था और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश दिया। पहली बार ऐसा हुआ वीरभद्र सिंह जी आपके साथ चुनाव में नहीं थे, कितना चैलेंजिंग था? जैसा आपने अपील भी की थी लोगों से कि वो उनको श्रद्धांजलि देंगे, क्या ठीक है? वो हर चुनाव में हमारे साथ होते थे और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद फेस करते थे। इस बार उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस हुई परंतु फिर भी हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया। जो उनके कार्य उन्होंने किए हैं उन्हीं को हमने लोगों के सामने रखा और लोगों ने उन कार्यों को देखते हुए कांग्रेस को अपना मत दिया है और यही मैं समझती हूँ कि जैसा बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इससे लोग थोड़े निराश भी थे और दुखी भी थे। ये लड़ाई मुख्यमंत्री के खिलाफ थी, इस जीत के बाद क्या कहेंगे? मैं उनको सभी जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि इनके दिन रात प्रयास की वजह से हम इस जीत को हासिल कर पाए। आखिर में विक्रमादित्य जी जो कांग्रेस नेताओं के साथ साथ इसमें पूरे राउंड द क्लॉक कैंपेन में थे, आगे आने वाले समय में उनके क्या देखा? वीरभद्र सिंह जी बेशक शारीरिक रूप में हमारे बीच नहीं थे मगर उनके द्वारा किए हुए कार्य हमारे साथ थे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। ही इज़ अ इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ और उनके द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य हमने मंडी के अंदर खासकर किए गए हैं, कुल्लू में किए हैं, हम उस एक सकारात्मक रूप से लोगों के बीच में गए, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम आने वाले समय में उनके किए हुए कार्यों को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं। मुख्य कारण क्या है? हिमाचल प्रदेश की जनता का असीम प्यार, वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद और महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई आज प्रदेश के लोगों को सहन करनी पड़ रही है और इस सरकार की जो नाकामियां हैं, डबल इंजन सरकार जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, उसका ये कारण है कि आज कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हिमाचल के हर कोने में 3 विधानसभा और पार्लियामेंट में हुई है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का था? नहीं, निश्चित तौर से ये चुनाव 6-7 महीने पहले हुए है और हिमाचल का एक तिहाई हिस्सा जो है वो मंडी पार्लियामेंट में आता है, 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो निश्चित तौर से इसका आने वाले समय में एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा। हम आज से ही लोगों के बीच जाना फिर से शुरू कर देंगे, धन्यवाद करेंगे, आगे के लिए रणनीति बनाएंगे और 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाने के लिए हर प्रयत्न करने के लिए हम तत्पर रहेंगे।